हाय गाइस, सो गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। सो यूजुअली मैं 8-8:30 के बीच में अप्रॉक्स उठ ही जाती हूँ डेली मॉर्निंग में। और सबसे पहले उठने के बाद मेरा ये काम होता है कि मैं बालों में क्लचर लगाती हूँ एंड अपना मोबाइल थोड़ा सा चेक करती हूँ। पर ये यूजुअली मैं मोबाइल को यूज़ नहीं करती हूँ, मेरा एक ऐसा रहता है कि आफ्टर ब्रेकफास्ट ही यूज़ करती हूँ। वो तो आज मैंने सिर्फ ऐसा चेक कर लिया मेल, अदरवाइज़ ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ मैं मोबाइल डेली मॉर्निंग में। आफ्टर देन सबसे पहला मेरा काम होता है ब्रशिंग माई टीथ। आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ मैं सबसे पहले लेती हूँ सोक्ड रेजन एंड आलमंड्स। तो ये पूरे में इतने सारे नहीं कंज्यूम करती हूँ, साथ में जूट भी लेता है ये रेजन्स एंड आलमंड। एंड आज का ब्रेकफास्ट मेन्यू रहेगा चिकन सॉसेजेस, ये वीबा का मस्टर्ड सॉस है, एग्स, बटर एंड ब्राउन ब्रेड। सो ये रहेगा आज का मेरा ब्रेकफास्ट मेन्यू। सबसे पहले मैं मिल्क को वार्म कर देती हूँ क्योंकि मुझे मॉर्निंग में टी चाहिए। ये वैसे मैं बटर खाना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं मोस्टली घी को यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन कर जाता है कि नहीं आज मुझे बटर खाने का मन है। तो आज उनमें से ये एक डे है जिस दिन मुझे बटर खाने का मन हो रहा है। सो ब्रेड, बटर एंड एग इज़ माय गो टू ब्रेकफास्ट, जो मुझे टेस्टी भी लगता है एंड ईजी टू मेक। सबसे पहली बात ये बहुत ईजी होता है मेरे लिए जल्दी से मॉर्निंग में बनाने में। एंड मैं यूजली ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ, वाइट ब्रेड को मैं अवॉइड करती हूँ, मैं वीट ब्रेड ही लेती हूँ। एंड यर इज़ जूड हेल्पिंग मी फॉर द ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं थोड़ी कभी कभी, एक्चुअली समर चालू हो गया है ना दिल्ली में, तो मैं थोड़ी सी हीट के कारण, गर्मी के कारण इरीटेट होते रहती हूँ इन किचन के अंदर। सो जूड आ जाता है मोस्टली मेरी हेल्प कराने के लिए, इवन दो ही इज़ वर्किंग। सो मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक ही बार में 3-4 एग्स को फ्राई कर लेती हूँ। मैं वेट नहीं करती हूँ कि एक एक एग को फ्राई करूँगी, टाइम कंज्यूम भी होता है और फालतू में, मतलब इतना बड़ा पैन है तो यूटिलाइज करो ना यार पैन को। थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर डालती हूँ मैं एग के ऊपर। And here is my breakfast is ready and I'm going to have my lovely breakfast with hot tea. ऑल राइट गाइज, तो ये रहा सेटअप जो अभी मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा न्यूड मेकअप लुक किया है, लाइनर, मस्कारा, बीबी क्रीम, लिपस्टिक, और लिपस्टिक को ही मैंने ब्लश बनाकर लगाया है। और बस मैं कॉन्टोरिंग करती नहीं हूँ, आज तक करी नहीं है, करने का मन है, करेंगे। सो ये मेरा मेकअप है और अभी वीडियो शूट करूँगी। कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा मुझे, क्योंकि मुझे 3 वीडियो शूट करनी है, तो पहले वो फिनिश करेंगे और फिर आप लोगों से मिलते हैं। मुझे इस टाइप का मेकअप बहुत पसंद आता है, बिल्कुल न्यूट रहता है लेकिन फिर भी आप प्रेजेंटेबल दिखते हो कि अरे यार ये अच्छी दिख रही है, लेकिन मेकअप देखो तक कम है, ऐसा नहीं है कि पोत रखा है बिल्कुल भी। ओके, सो मेरी पूरी वीडियो शूट, मतलब पूरा पैकअप हो चुका है, शूटिंग सब डन हो चुकी है और मैं अब फेस वॉश कर आ चुकी हूँ। और फेस वॉश करने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों के संग भी शेयर कर दूँ कि मैं मोस्टली, एक्चुअली समर स्टार्ट हो गया तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, स्पेशली डे टाइम पर, क्योंकि डे टाइम पर स्वेटिंग मुझे ज़्यादा होती है। फेस वॉश कर लिया है मैंने माइल्ड फेस वॉश से और मैं अब यूज़ करने वाली हूँ ये मामाअर्थ का उपटन फेस शीट मास्क है, ये बैम्बू शीट मास्क है। आई लव मामाअर्थ की शीट मास्क, पैराबिन फ्री है, SLS फ्री है, क्रुएल्टी फ्री, मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं आपको तो पता ही होगा मामाअर्थ के, तो इसलिए मुझे इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करना पसंद है। मैं ना उपटन वाला यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर टर्मरिक एंड सैफ्रन है, ये आपके स्किन को ब्राइटन अप और लाइटन अप करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है ये शीट मास्क। ओ माय गॉड, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा सीरम काइंड ऑफ आता है, मतलब बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ तो समझ जाओ बहुत ज़्यादा आता है। शीट मास्क लगाने से क्या होता है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ज़्यादा स्टिकी स्टिकी बिल्कुल भी नहीं होता है, समर के लिए कूलिंग इफेक्ट भी देता है आपके फेस पे। तो ये शीट मास्क लगाकर मिनिमम मैं 15 मिनट्स इसको रखूँगी। ओके सो 15 मिनट्स इज डन और अब हम इसको निकालेंगे। वाओ, इसको थोड़ा सा नेक पे भी लगा लेंगे। इसको लगाने के बाद आपको फेस वॉश नहीं करना रहता है क्योंकि दिस शीट मास्क आर इन्फ्यूज्ड विद बहुत सारे इसके गुडनेस होते हैं। फेस वॉश नहीं करना है, बस अब हमको इसको लेट इट ड्राई, ये अपने सोक करेगा, पेनिट्रेट होगा आपकी स्किन में। और अगर आप भी चाहते हैं इन शीट मास्क को बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और अगर आप मामर्थ की वेबसाइट या ऐप से बाय करते हैं तो मेरा कूपन कोड है मामर्थ वेबसाइट के संग, सो आप वहां से बाय करेंगे तो आपको 20% का और डिस्काउंट मिलेगा। और वैसे भी जब भी आप कोई भी मामर्थ का प्रोडक्ट बाय करते हैं दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो इनकेस अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये पूरे अच्छे से मेरे स्किन में पेनिट्रेट हो गया है, डे टाइम है तो विदाउट सनस्क्रीन आई कांट स्टे, तो मैं तो सनस्क्रीन जो लगाती हूँ आजकल लगा रही हूँ मैं मामर्थ की, ये अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन है, दिस मच क्वांटिटी इज सफिशिएंट। ओके सो ये रिंग लाइट और सब कुछ ये सेट अप वेटअप पूरा ऐसे हटा देते हैं और अब मैं करने वाली हूँ लंच। लंच में मैंने सिर्फ दाल चावल बनाए थे और साथ में लाइम को स्क्वीज कर लिया था क्योंकि सब्जी बनाने का पर मेरे पास टाइम नहीं था बिकॉज ऑफ शूटिंग। एंड आफ्टर लंच मैंने मूवी वॉच करी गंगूबाई, एंड दिस वाज माय मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन।